जय जोहार। मेरे साथ में आज मानवता सेवा का एक सम्मान का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छा। मैं देख रहा था कि कार्यक्रम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ऐसा कार्यक्रम कोरोना के बाद में कि अच्छी जेंट्री और अच्छे लोग जो समाज में, जिनको लगता है कि वास्तव में इन लोगों ने काम किया है, उन लोगों को चुन चुन कर निकालना। अर्ना फाउंडेशन की तरफ से श्रीमती रूना शर्मा जी हमारे साथ में। हम सब छत्तीसगढ़ी सिनेमा के अलावा एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, अमेरिका भी रही हैं आप, बड़ा एक उनका नाम है, स्टूडियो भी था यहाँ पर। राजेश पलोटा जी हैं, बहुत अच्छा समाजसेवी हैं, इसके अध्यक्ष हैं, संस्थापक रूना जी हैं। जो फील्ड के लोगों को बुलाया आपने, बहुत अच्छा किया। कैसे ये लगा कि बहुत दिन बाद में इस तरह के कार्यक्रम हुआ? रूना जी, आपको एक तो बधाई बहुत बहुत कि इस तरह की हिम्मत की आपने और इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से किया कि जो लोग बुलाए तो नए लोग देखने के लिए मिले हमको। वरना कार्यक्रमों में होता है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं लीजिएगा, एक ही एक चेहरे होते हैं, उन्हीं चेहरों का लगातार सम्मान भी होता है, बातचीत भी होते हैं, लेकिन और भी लोगों को ढूंढ कर निकालना जो समाज से छुप गए हैं लोग। मैं अगर मनोहर गौशाला के पदम लाखड़िया जी की बात करूं तो मुझे सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा कि कैसी गौशाला आपने बनाई है, जहां पर सेवा देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कल्याण जी जाना जी आए, और वो भी एक ऐसी शख्सियत की गरीबी से, गरीबों के एक्टर ही कहलाते हैं वो, रोटी बैंक, रोटी कपड़ा बैंक, इसके आज जो सेवा सम्मान था उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्या मन में था कि इस तरह के कार्यक्रम करना है? नमस्कार, मैं रूना शर्मा, समाज सेविका, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। देखिए सर, अपने अपनी फील्ड में, अपने अपनी राह पे, अपने अपने कदम सब बढ़ाते हैं सेवा के लिए, बट हमारा ये था कि हमारी तरफ से जो हो पाया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो हमने समाज सेवा की है। पर हमारे साथ जो हमारे भाई बंधु है छत्तीसगढ़ के, तो हमने सोचा उनको हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ ऑनर, हम एक सम्मान करें। बहुत हमारा मन था कि छत्तीसगढ़ में जितने लोग हैं, हम जो जो बहुत सेवा किए सबको सम्मान दें। पर कोरोना काल तो चल ही रहा है, कोशिश है कि बहुत जल्दी ये चीज़ें खत्म हो जाए, वैक्सीन भी आ गई है, तो जो हमसे बन पड़ा कि गिन के 40 लोगों का हम सम्मान कर पाए, जो अलग अलग फील्ड से हैं, जिसमें कुछ सोशल वर्कर हैं, कुछ मीडिया प्रभारी हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, ऐसे बहुत सारे फील्ड के लोग अपने अपनी फील्ड में, अपने अपनी जगह पे बहुत सेवा कर चुके हैं, और कुछ चित्रकार हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने पेंटिंग बना के या फिर बच्चों को, जानवरों को खाना खिला के बहुत सेवाएं की हैं। तो जो हमसे बन पड़ा एक छोटा सा, उनके लिए एक सम्मान था हमारी तरफ से, मानवता रत्न सम्मान, जिसको राजेश बलोटा जी अर्ना फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं, मैं संस्थापक हूँ रूना शर्मा। तो एक छोटा सा हमारी तरफ से कदम था कि सम्मान किया जाए, और सम्मान बहुत जरूरी रहती है, प्रेरणा देता है कुछ और आगे करने के लिए। तो जस्ट टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से एक छोटा सा मानवता रत्न सम्मान। कुछ नया और अर्ना फाउंडेशन के तहत में देखने के लिए मिलेगा आगे? सर, अर्ना फाउंडेशन में जैसे हम थैलेसीमिया के बच्चों के लिए, HIV के जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए, और महिला उत्थान के लिए बहुत सारे फील्ड में हम काम करते हैं, बट साथ ही साथ हम कुछ ब्यूटी पेजेंट्स भी करते हैं, जैसे ब्यूटी आइकन इंडिया अर्ना फाउंडेशन से, उसमें हम अपने भारत की, अपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति दिखाते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा, हम ट्रेडिशनल चीजों को ज्यादा चाहते हैं कि हमारी भारत की संस्कृति, हमारी भारत की सभ्यता, छत्तीसगढ़ की वेशभूषा वो सामने आए। तो मॉडलिंग नहीं कह सकते, मॉडलिंग में ही हम पूरा क्लासिकल और ट्रेडिशनल जो चीजें हैं उसको हम रैंप पे लेकर आते हैं। तो ऐसे हर फील्ड में हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, और चाहते हैं सबका प्यार, सबका साथ हमारे साथ बना रहे। बहुत अच्छा है, निश्चित रूप से जब अच्छा काम करें, गुड थिंग्स ऑलवेज रिटर्न, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है, ये माँ कहा करती थी। राजेश बलोटा जी हमारे साथ में हैं। मैं माँ को इसलिए याद कर रहा हूँ कि राजेश बलोटा जी हैं, मेरी माँ का नाम भी श्रीमती राजेश जैन था, मेल नेम था, तो याद आ जाती है उनसे। क्या कहेंगे राजेश भाई, एक अच्छा काम किया आज आपने। हम लोग अर्ना फाउंडेशन के द्वारा जो है ये सब कार्य तो कर ही हैं, लेकिन भविष्य में हमारी जो योजना है वो महिला रोजगार को लेकर के है, महिला स्वरोजगार और महिला रोजगार। आज के दौर में महिलाओं को 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये में काम दिलाना, 8 हज़ार में, 10 हज़ार में, बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है। कोरोना काल चल रहा है जहाँ पे लोगों की नौकरी छीन चुकी है, हम उसमें आगे काम करने की योजना बना रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे गुणीजन अगर लगेंगे समाज में बेहतर दिशा देने की कोशिश करेंगे, तो समाज निश्चित रूप से, एक कहते हैं जीवन एक ही बार मिला है, इसमें जी लें, तो सबको जीने का अधिकार है। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारी तकलीफें हैं, तो रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होती है जरूरी। तो अच्छा लगता है कि आप इस तरीके की सोच रखते हैं कि स्वावलंबी बनाएं और बेहतर करें। आप लोगों ने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र भाई भी है, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़, जय भारत।